हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार निहार का। आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। विशिंग यू अ वेरी कलरफुल होली। होली हम सभी का फेवरेट फेस्टिवल है। होली खेलना किसे पसंद नहीं है, पर कई बार ऐसा होता है कि हम लोग थोड़ा सा स्किन कॉन्शियस होते हैं और होली खेलना अवॉइड करते हैं, पर ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा बहुत अपने स्किन का ध्यान रखा जाए तो हम लोग एकदम बिंदास होली खेल सकते हैं। भाई होली है और होली में सेल्फी ना ली जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम गर्ल्स जो होती हैं वो नॉर्मल डेज में भी सेल्फी लेती रहती हैं, और अगर होली की बात आती है, कोई फेस्टिवल की बात आती है, फिर तो सेल्फी लेना बनता है, क्योंकि भाई इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप भी तो अपडेट करना है। अभी क्या आप चंपू बन के फ़ोटो क्लिक करेंगे, ऑयल लगा के अपने फेस पे फ़ोटो क्लिक करेंगे तो चंपू चंपू सी फ़ोटो आएगी, तो उसके लिए हमें क्या करना है? आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इजी स्किन केयर टिप्स, जो कि आप सभी फॉलो कर सकते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। आप चंपू भी नहीं लगेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल सी अच्छी अच्छी सी सेल्फी आप ले सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें होली से पहले क्या नहीं करना है। एक्चुअली हम लोग के माइंड में क्या होता है कि होली है, हमें तो ब्यूटीफुल लगना है, इवन सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लगना है, तो चलो सैलून कर जाते हैं और फेशियल करा लेते हैं, स्क्रब कर लेते हैं, वैक्स कर लेते हैं। पर होली से पहले फेशियल, स्क्रब, वैक्स ये सब चीज़ें नहीं करनी है। आप जो नॉर्मल सीडियम करते हैं, क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, वो आपको करना है, पर फेशियल या वैक्स या स्क्रब आपको नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ब्रेकआउट्स होंगे। अब ये तो हो गई कि क्या नहीं करना है, अब हम देख लेते हैं कि क्या हमें करना है। बहुत से वीडियोस में मैंने ये देखा है और इवन मैंने अपने घर में भी बहुत बार सुना है कि होली खेलना है, चलो फेस पे ऑयल लगा लो। ऑयल लगाने से क्या होगा कि फेस से कलर जल्दी रिमूव हो जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जब ऑयल लगा लेते हैं अपने फेस पे तो क्या होता है कि जब आप होली खेलते हैं या जो भी कलर या गुलाल जो भी आप लगाते हैं वो आपके फेस पे एब्जॉर्ब हो जाता है, आपकी स्किन के अंदर चला जाता है, और जब वो आपके स्किन के अंदर चला जाता है ना तो ब्रेकआउट्स होता है, एक्ने होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी स्किन पर आ जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम ऑयल यूज़ करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि आप सरसों का तेल लगा लो, नारियल का तेल लगा लो, बहुत सारी चीज़ें ऐसे मैंने सुनी है, पर प्लीज़ आप ये जो है, आप जो ये कोकोनट ऑयल देख रहे हैं ये आपके हेयर के लिए, आपके क्यूटिकल्स के लिए है, पर आपके फेस के लिए नहीं है। आपको फेस पे क्या अप्लाई करना है, आपको फेस पे कुछ इस तरीके के मॉइस्चराइज़र, जो भी मॉइस्चराइज़र आप डेली बेसिस पे लगाते हैं वो मॉइस्चराइज़र लगाना है। नॉर्मल जो आप सीटीएम करते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैं आपको जो दिखा रही हूँ आपको वही यूज़ करना है, मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे लगाना है पर ऑयल नहीं लगाना है। और उसके बाद आपको सनस्क्रीन यूज़ करना है, जो भी आप सनस्क्रीन यूज़ करते हैं वो सनस्क्रीन यूज़ करना है। और अगर अब मैं लिप्स की बात करूँ तो कुछ इस तरीके का आप लिप बाम यूज़ कर सकते हैं, ये तो बहुत ही ईजिली मिल जाता है और आपको कहीं भी मिल जाएगा, मेडिकल स्टोर पे भी मिल जाएगा, ज़रूरी नहीं कि आपको इसको ऑनलाइन ही परचेज़ करना है, कॉस्मेटिक कोई भी नॉर्मल से कॉस्मेटिक शॉप पे भी ऐसे लिप बाम मिल जाता है। क्लीन लिप थेरेपी, ये बहुत ही अच्छा लिप बाम है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, अगर आप ये ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, वरना जो आपके पास है लिप बाम आप वो ट्राई करिए। स्किन की बात हो गई, अब बात करते हैं हेयर की। तो आप इस कोकोनट ऑयल को अपने हेयर पे लगा सकते हैं, आपका जो ये नेल्स है, नेल्स के क्यूटिकल्स पे भी ये लगा सकते हैं, तो क्या होगा कि जब आप होली खेलते हैं, कलर खेलते हैं, तो आपके जो क्यूटिकल्स हैं वो बुरे नहीं दिखेंगे, जो कलर अंदर आपके चले जाते हैं इसमें वो नहीं जाएंगे कोकोनट ऑयल लगाने से, या किसी भी तरीके ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं वो लगा सकते हैं। होली खेलते वक्त फेस और हेयर के बाद अगर सबसे ज़्यादा कुछ गंदा होता है तो वो है हमारे नेल्स। जी हाँ, होली खेलते वक्त अपने नेल्स पे ऐसे कुछ डार्क कलर की नेल पॉलिश लगाएं और अपने क्यूटिकल्स पे कोकोनट ऑयल अप्लाई करें, जिससे कि आपके नेल्स भी ख़राब ना हो। अब आती है हमारी कपड़ों की। कपड़ों का सिलेक्शन हमेशा जो है वो फुल स्लीव्स कपड़े ही पहने, ना कि स्लीवलेस पहने। जितना ही आपकी बॉडी ढकी हुई होगी उतना ही आपकी स्किन खराब होने से बचेगी। हम गर्ल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें बाल खुले रखना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब बाल खुले रहते हैं तो हमें कोई हेयर स्टाइल बनाने की ज़रूरत भी नहीं होती है और बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ भी आ जाती है। पर होली के टाइम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको एक अच्छी सी पोनी बनानी है, कुछ इस तरह से पोनी टेल बना लीजिए, और अगर नहीं तो आप बन बना लीजिए, जो भी आपको ज़्यादा अच्छा लगे। आगे भी अगर अपने बालों को ऐसे ही आपको लहराना है तो फिर
होली के टाइम में एटलीस्ट अपने बालों को ऐसे पोनी या बन बना के रखें जिससे आपके बाल पे ज़्यादा कलर ना जाए और आपके बाल बचे रहें कलर से। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कलर्स अवॉइड करें। जो ये लाल पीले हरे गुलाबी से पक्के वाले कलर होते हैं वो बिल्कुल ना खेलें यार। इतने अच्छे अच्छे गुलाल आते हैं, इतने प्यारे प्यारे से रेड कलर के, पिंक कलर के, ऐसे बॉक्सेस में ये यूज़ करें। ये आपकी स्किन को हार्म भी नहीं पहुंचाएगा और आप जिसे भी लगाएंगे उसको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और एटलीस्ट वो नहाते वक्त अपने कलर छुड़ाते वक्त आपको गालियाँ नहीं देगा। आई होप कि मेरे आज के टिप्स आपको अच्छे लगे हों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।